विंटर्स यस, बात कर रहे हैं सर्दी की। सर्दी चालू हो गई है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा सर्दी आ चुकी है। आइए इसी बारे में एक भाई साहब को फोन लगा के कुछ बातचीत की हम। हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज आ रही। हेलो हेलो, हाँ जी भैया बोलो। आवाज आ रही। हेलो, कौन बोल रहे हो? सॉरी सॉरी, मैं बउआ बोल रहा था भाई साहब। नमस्ते, किससे बात करनी है भाई? आपसे करनी है, एक मिनट करनी, ज्यादा नहीं लूंगा। ठंड बढ़ती जा रही है, लोग कह रहे हैं ठंड का क्या, ठंड का क्या। मैं कहता हूँ ठंड अगर आदमी बर्दाश्त कर ले ना, जल्दी बताया दिमाग। एक सेकेंड, ठंड अगर आदमी बर्दाश्त कर ले ना तो शेर का भी सामना कर सकते हैं। अरे ठंड से शेर का क्या कनेक्शन है? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। गंदा मत बोलिए, सुनिए। ठंड से बचने के लिए आदमी स्वेटर पहनता है कि नहीं? हाँ पहनता है। स्वेटर ऊन से बनता है कि नहीं? हाँ पे बनता है। ऊन का गोला होता है कि नहीं? अरे तू क्यों कर रहा है? बात बता, क्या बात है? कनेक्शन बता दो। ऊन का गोला होता है? होता है यार, बता। और ऊ गोला पर से तो पीके भी आया था। पीके पीके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चार टायर से चलती है। टायर तो बचपन में हम भी डंडे से मार के चलाते थे। मारने से आता है, मास्टर साहब भी हमको डंडे से मारते थे। मास्टर साहब से आता है, मास्टर साहब भी साइकिल से आते थे। साइकिल से आता है, साइकिल कम सैलरी वाला आदमी चलाता है। साइकिल कम सैलरी वाला आदमी चलाता है, सैलरी बढ़ जाती है तो वही आदमी कार ले लेता है। फिर वही आदमी कार से जिम जाता है और जिम जाके साइकिल चलाता है। जिम जाके साइकिल चलाता है एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज से सेहत बनती है, और जब आदमी की सेहत बनती है ना, किसी भी मुसीबत का सामना कर लेता है, भले ही चाहे उसके सामने शेर क्यों ना आ जाए। साले मारूंगा ना एक तरफ, सुबह सुबह तरफ उस काम नहीं है। ये गलत बोल रहा है, देखा साले की तोड़ दूंगा। ऐसे नहीं है, वो चीज पे लगता है लेकिन वो टूटती नहीं है। आप लोग गलत बोल रहे हैं। तोड़ दिखा तेरे को, देखा ठंड से शेर को कैसे कनेक्ट किया। 93.5 FM बउआ बोल लो, बजाते रहो। कितने चीची बोल रहे हैं लोग, समझते नहीं है लॉजिक को। हनी तो दिल्ली में एक नया स्कैम आया है, नकली जीरा का। जीरा ऊंट के मुंह में जीरा वाला? और ये ऊंट के मुंह में जीरा एक कहावत भी है। तो इसी जीरा को हमने थोड़ा सा पकड़ के एक भाई साहब को फोन लगाया, फिर क्या बात हुई। एंजॉय। हेलो, नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। समाज ने हमको ऐसी ऐसी चीजों में उलझाया हुआ है जिन चीजों का कोई मतलब नहीं है। बोल कहाँ से रहे हो जी? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि समाज की उन बातों की वजह से मुझे एक ऐसा सबक मिला है। तो समाज की बातें मुझे क्यों बता रहे हो आप? ये तो मुझे सबक मिला है, मैं वो बता रहा हूँ, बातें नहीं बता रहा हूँ। बातों में तो हमने पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ के ये भुगत चुका हूँ। तुम भुगत चुके हो, हमारे की भुगता रहे हो। वही मैं चाहता नहीं आप भुगते, इसलिए प्लीज मेरी ये बात सुन लीजिए कि मुझे आखिर सबक क्या मिला। बतलाइए क्या बतलाइए। मेरी माँ ने मुझे सामान की लिस्ट दी और कहा ये सामान ले आइए। मैं सामान लाने जब पहुँचा तो सामान की लिस्ट में एक ऐसी चीज थी। हेलो हेलो, हाँ कैसी चीज़ थी? बताइए। हाँ आपको हूँ करना पड़ेगा वर्डिना। आई कंसीडर दैट द फोन इज गॉट डिसकनेक्टेड, आई होप यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके ओके ओके। तो उस सामान की लिस्ट में एक ऐसा सामान था जिसकी वजह से अर्जेंट मुझे अलवर की बस पकड़ के जैसलमेर जाना पड़ा। मतलब कि तू राजस्थान चला गया? राजस्थान चला गया। अच्छा जी। जैसे मैं वहाँ पहुँचा राजस्थान, वहाँ मैंने देखा कि बड़े सारे टूरिस्ट थे जो ऊँट पर सवारी कर रहे थे। अच्छा। मैंने हाथ दिखाकर ऊँट रुका लिया। एक ऊँट जैसे नीचे आया, मैंने ऊँट के मुंह में फट से अपना हाथ दे दिया। काट लिया तेरे? ऐसी आवाज आई, काट लिया मैंने। तू मेरा एक सेकंड रुको, नहीं सुनो। उसके हाथ काटने के बाद मुझे अस्पताल ले गए, वहाँ पर 140 इंजेक्शन लगाए मेरे को। 14 कुत्ते का होता है ना, कुत्ते से 10 गुना तो बड़ा होता है ऊँट। करके राजस्थान जाकर ट्रेवलिंग करके ऊँट से खुद को कटवा के इंजेक्शन लगवा के मुझे वो बात पता चली है। वही सबक मिला है आज मैं आपको बता दूं कि माँ ने जो सामान मंगाया ना, एक सेकेंड, माँ ने मुझसे जीरा मंगवाया था। ऊँट के मुंह में जीरा बोलते हैं कहाँ, घंटा जीरा। उल्टा ऊँट ने काटा मेरे को। 140 इंजेक्शन लगवाया मैंने, पता है आपको? मैं कहाँ लगवाया तूने इंजेक्शन? कहाँ लगते इंजेक्शन? लगवाए? नहीं नहीं, हाथ पे लगवाए, दो हाथ मिले, 70-70 बांट लिए थे। 70-70 तू दो बटवा लेता, 35-35 चार रूपए लगवा लेता। गंदा मत बोलिए, अगर जो गंदा बोलता है एक दिन ऊँट उसे भी काटता है। हेलो, मेरे को लगता है दुनिया में जो भी नियम बनाए गए ना, रूल्स, वो सही बनाए गए। फॉर एग्जांपल, जूता पैर में ही पहनना चाहिए, हाथ में नहीं। हाँ तो इसको किसने चैलेंज किया? सही बात है। नहीं नहीं, अगर चैलेंज करोगे भी तो नहीं कर सकते क्यों? यही मैंने एक भाई साहब को बताया। सुनिए जरा। हेलो
नमस्ते अंकिल, हेलो। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे एक मिनट चाहिए था भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लेता। कुछ कुछ चीजें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है। सवाल कई हैं इस सृष्टि में, जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करें, इंसान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। अबे बाके सुबह सुबह भांग की गोली खा के बैठा है क्या? क्या बात कर रहा है तो अब देखो, कई सारे सवाल, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक सवाल है, जूता पैर में पहनते, हाथ में क्यों नहीं पहनते? हथेली में पहन लो भाई साहब। तू पहन लेना गले में। नहीं उसे गले, एक मिनट, जूता हाथ में पहनना ही नहीं है, पता है क्यों? क्यों? अगर पैर से आपने हाथ में पहना तो पैर में कांटा लग सकता है। कांटा लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलेगा। और क्या निकलेगा? खून का रंग क्या होता है? लाल ही होता है। लाल तो टमाटर भी होता है। तो टमाटर की चटनी बनती है। तो चटनी किसके साथ खाते हैं? पकौड़े के साथ। अबे तो आगे बताना। पकौड़ा किस चीज का बनता है? पकौड़ा हर चीज का बनता है, मूली का, आलू का, प्याज का। मूली का पकौड़ा? भाई उसको पराठा बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, उसे पराठा कहा गया जो मूली का बनता है। आगे बता फिर। आलू का बनता है ना? हाँ बनता है। अब आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनिए सुनिए, सोना अच्छा होता है कि नहीं? सोना अच्छा ही होता है, लेकिन लेटने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। वही सोना जैसे चेन, फॉर एग्जाम्पल, आप गले में डाल के कहीं जा रहे हो सुनसान जगह से, और अच्छा, कोई बाइक से झपट मार आते हैं ना चेन खींचने, तो झपट मार अगर आया और आपका सोने पे हम थे ना, सोना वाला अगर चेन खींचने की कोशिश किया और आपको पलट के उसकी हथेली से दबोच लेनी है, तो आपने हाथ में जूता पहने तो कैसे दबोचोगे? इसलिए जूता हाथ में नहीं, पैर में पहनने। वैसे भैया, ठंडी में ना एक प्रॉब्लम जो जनता को होती है, वो होती है पानी बहुत ठंडा है, नहाना नहीं है, ठीक है, डीओ वगैरह लगा के लोग घूमते हैं। और जब बात नहाने की होती है तो मेरे को एक फेमस मुहावरा याद आता है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो इसी टॉपिक पे हमने एक भाई साहब को फोन लगा के कैसे निचोड़ा और बैरागी जी के साथ मिलकर करी एफ से रॉकिंग चर्चा। एंजॉय करिए, मजे ना आए तो पैसे वापिस। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं? जी मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बैरागी जी, पूरा नाम कहिए। नमस्कार। नमस्कार जी। दो मिनट होगा अगर समय तो हम शुरू करें। क्या शुरू करना है भाई? यही शुरू करना है, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते यहाँ पर चर्चा होती है। भैया किस चीज की चर्चा होती है? एक सेकंड, मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी और जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि। कौन बोल रहे भैया? कहाँ से बोल रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ताबड़तोड़ खबरों से बात कर रहा हूँ मैं। ताबड़तोड़? क्या चीज है ताबड़तोड़? ये न्यूज चैनल है। मुझे क्या करना भाई साहब, न्यूज चैनल आप है तो मुझे जनता की तरफ से इसका एक हिस्सा बने भाई साहब। मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं बनना है। बन चुके हैं आप, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है। समाज के प्रति आपका कुछ दायित्व है कि? लाइव चल रहा है, आप मना करेंगे तो क्या रेप्यूटेशन रहेगी? कोई बात नहीं भैया, मेरी जो रेप्यूटेशन है आपकी नहीं, हमारी। सुनिए मुद्दा बताइए ना। बहुत बढ़िया, इन्होंने हामी भर दी जी। नंद किशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा जो है वो है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या जी? अरे भैया पागल हो गया? नहीं मुहावरा है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा। ऐसे मुहावरे बनाते हैं क्या आप न्यूज चैनल वाले? नहीं, ये बना हुआ मुहावरा है, हम तो इसे उठा रहे हैं। आप बोलो ना मुहावरे बनाओ तो आप देख लो, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। बैरागी जी जी, ये क्या मुहावरा हुआ? देखिए दोनों चीजें बहुत ही अलग अलग है। अच्छा, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ये दरअसल ये एक मुहावरा नहीं, अपने आप में एक सवाल है। सवाल है भाई साहब, आप लाइन पे हैं ना? मैं सुन रहा हूँ भाई साहब, आप लोग फालतू की बातें कर रहे हो। फालतू नहीं, सुनिए ध्यान। हाँ, तो ये एक सवाल है कैसे इंसान से जो वस्त्र विहीन है, वस्त्र विहीन, और उससे पूछा जा रहा है नहाएगा क्या? अरे भाई वो तो नहाएगा ही। अब ये तो पागल हो गया आप लोग। एक सेकंड रुकिए, ये मतलब मैं समझा नहीं। जैसे किसी के सामने थाली रख दिया आपने, पूछे खाएगा क्या? सही बात है। किसी को आपने पिक्चर की टिकट दे दी और पूछा जाएगा क्या? वही वाली बात है। किसी के घर के नीचे आप गए, हॉर्न बजा के बोला घूमने आएगा क्या? वही वाली बात। वैसे ये कि नंगा नहाएगा क्या? हाँ, तो वो नहाना एक अलग है प्रक्रिया भाई साहब, निचोड़ना अलग प्रक्रिया है। इन्होंने कहा नंगा नहाएगा क्या, एक सवाल है, और निचोड़ना क्या, क्या निचोड़ने की बात हो रही है? ये मुश्किल रहेगा, निचोड़ने के लिए नींबू है, मौसम्मी है, रसगुल्ला, स्पंज वाला, स्पंज रसगुल्ला। नहीं नहीं नहीं, ये सब आप करते होंगे, स्पंज समान जो फेफड़े हैं। मैं करता हूँ, आजा तेरे निचोड़ू, आजा। स्पंज समान फेफड़े अगर आप निचोड़ेंगे तो उसमें से काटेगा, मुंह पे लगा दूंगा वही, गाली देंगे आप, यही टार मिंचू ठकराल के मुंह पे लगा दिया जाएगा। बड़ा ही अनपढ़ आदमी।
मिंचू जी आपके ना मिंचू टकराल है। तेरा बाप होगा साले मिंचू टकराल। गंदी बात बोल के उन्होंने फोन काट दिया। आगे इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है बैठागी जी? इस बार कोपेन हेगन से लिखती हैं पिंकी। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। कोपेन हेगन तक जा रहे हैं बैठागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।